स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सबसे पहले MS Paint के बारे में जानेंगे, जो अभी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कीबोर्ड और माउस के बारे में बताया है। क्यों हम बताए हैं? ताकि कोर्स जब कराएं और जब उसमें हम कुछ प्रेस करें और कोई कार्य करें, अगर हम बोलें कि हम लेफ्ट क्लिक किए हैं, तो आप आसानी से समझ जाएँ उसे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेंट। पेंट को खोलने के लिए यहाँ पे आप पॉइंटर लाना है माउस के जरिए, और यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च पे टाइप करना है PAINT। पेंट लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं पेंट। ठीक, अब देखिए, ये तो हुआ एक पहला तरीका। ये मेरा विंडोज 10 है। अगर आप विंडोज 7 आपके पास होगा, तो यहाँ पे जब ऑफिस बटन या स्टार्ट बटन क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे एक ऑल प्रोग्राम दिखेगा आपको। ऑल प्रोग्राम के बाद आपको एसेसरीज मिलेगा, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा, उसके बाद एसेसरीज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, तो उस पर आपको दिखेगा पेंट, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये विंडोज 7 होगा, लेकिन मेरा विंडोज 10 है। तो हमने आपको एक तरीका बता दिया। अब देखिए, एक दूसरा तरीका भी है और सबसे बेस्ट तरीका भी है, ये है विंडो प्लस R, मतलब स्टार्ट बटन। ऐसा देखिएगा कि या कीबोर्ड में ऐसा आपको बटन मिलेगा, आपको वो दबाए रखना है और फिर R दबाना है। कहने का मतलब विंडो बटन प्लस R, मतलब विंडो बटन दबाए रखें और R दबा दिए, उसके बाद ये रन करने के लिए बोल रहे हैं आपको कौन एप्लीकेशन रन करना है। तो यहाँ पे बैक स्पेस से इसको काट देंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे MSPAINT, MS Paint लिखने के बाद ओके करेंगे, तो ये आपका MS Paint खुल जाएगा। तो देखिए, MS Paint में यहाँ पे आप सबसे पहले जानते हैं इसका क्या नाम है, कौन क्या करता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके बारे में। ये वाला जो है पॉइंटर, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे यहाँ पे साइड में एक क्लोज बटन है, एक है ये मैक्सिमाइज, ये है मिनिमाइज। मैक्सिमाइज को रिस्टोर डाउन भी बोलते हैं, इसको क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। अब देखिए, इधर है सेव, अंडो, रीडो। अब इसके बाद यहाँ पे इसको टाइटल बार बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले को बोलते हैं मेनू बार। तो पहले हम इसको टाइटल बार के बारे में हम समझ लेते हैं। इसमें तीन बटन दिया है, किस लिए दिया है? सबसे पहले बात करते हैं क्लोज की। तो क्लोज में यहाँ पे जैसे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, तो ये क्लोज का मतलब जानते हैं कि ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ठीक, तो फिर मुझे खोलना है, तो विंडो प्लस R दबाइए, MS Paint टाइप करिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए, इसका क्या मतलब होता है मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन? जब आपका कोई एप्लीकेशन खुला हो और कुछ इस टाइप का हो, देखिए समझ जाइए कि मान लीजिए कभी आपका एप्लीकेशन छोटा हो गया हो, स्क्रीन पे छोटा शो कर रहा हो, तो आप उसको फुल करने के लिए आप यहाँ से मैक्सिमाइज करिए, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और मिनिमाइज का क्या मतलब होता है? मिनिमाइज जैसे करेंगे, मिनिमाइज का मतलब होता है ये नीचे जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं टास्क बार। तो टास्क बार में ये छुप जाता है। अब देखिए, कोई और मुझे काम करना है, तो हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं और करके फिर क्लोज इसको करेंगे। अब मेरी जब दूसरी काम हो जाएगी, तो हम चाहेंगे कि नहीं, मुझे फिर वो पेंट वापस चाहिए, तो इसको वापस ला लेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पे सेव भी बना है, मान लीजिए सेव बना है, अब इसके बाद हम इसको बिना डिलीट किए बोलेंगे चलो मिनिमाइज करते हैं इसको, मुझे कोई और काम है थोड़ा देर के लिए, मिनिमाइज कर दीजिए और अपना काम पूरा कर लीजिए, और फिर यहाँ पे टास्क बार पे जाइएगा नीचे, तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने वर्क किया था इस पर। ठीक, तीनों बटन समझ में आ गया है। आप देखिए, इसको सेव बोलते हैं, सेव के भी बारे में बताया जाएगा। इसको अंडो बोलते हैं, अंडो भी आपको पता चलेगा। इसको बोलते हैं रेडो, रेडो भी पता चलेगा आपको क्यों किस लिए है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं बीच वाले को मेनू बार। बीच वाले को क्या बोलते हैं? मेनू बार। ये होम मेनू हुआ, ये व्यू मेनू हुआ, ये तीनों हमको जानना है। सॉरी, दो हैं, होम मेनू, व्यू मेनू। ठीक है, ये तो सबको हम जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे फाइल, फाइल मेनू में क्या है? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट,
असेंड ईमेल प्रॉपर्टीज अबाउट जितना चीज़ जितनी सारी चीज़ें दी हैं यहाँ पे, हमें फ़िलहाल इसमें सब कुछ नहीं जानना है क्योंकि मेरा ये अभी पहला वीडियो है। और देखिए इसमें जितनी सारी ये ऑप्शन दिख रहा है, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, सेव, न्यू, ओपन, सेव, सेव है, ये सारे एप्लीकेशन में आना है। जो भी आगे हम टॉपिक कराएंगे उसमें भी आना है, तो आप इसमें भी जानिए। मैं इतना बार आपको बता दूंगा कि आपका खुद प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 5 पे जाएंगे तो न्यू का मतलब क्या होता है, आप न्यू का मतलब ही आसानी से समझ सकते हैं कि मुझे कोई न्यू पेज चाहिए। कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ पे पेंट न्यू चाहिए, मतलब पेंट क्लोज ना हो, पेंट को क्लोज नहीं करना है, ये जो कार्य कर रहे हैं हम ये अब नहीं करना है मुझे। देखिए न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी सारी वर्कें की हैं ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल, इसका मतलब हुआ कि आप इसको सेव करना चाहते हैं जो ये वर्क कर रहे थे, तो सेव करना चाहते हैं क्योंकि आपने तो मेहनत से ये बनाया है और फिर आप न्यू पेज लेना चाहते हैं, तो ये बोल रहा है कि ये जो बनाए हैं आप इसको सेव कर लीजिए। तो सेव जैसे ही दबाइएगा, सेव पे क्लिक करिएगा, तो ये पूछेगा आपको कहाँ लोकेशन आपको देना पड़ेगा कि हम कहाँ सेव करेंगे। तो चलिए सेव करना भी आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए सिंपल यहाँ पे हम पिक्चर पे क्लिक किए और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने नाम दे दिया कुछ, यहाँ पे नाम दे दिया डी नाम दे दिया और ओके कर दिया सेव, तो ये सेव हो गया। और ऐसे ही मान लीजिए कि अगर ये हम कोई कार्य कर रहे थे अब न्यू करेंगे तो ये पूछ रहा है सेव, तो सेव जैसे क्लिक करेंगे तो वैसे ही होगा, अगर डोंट सेव कर देंगे तो एक न्यू पेज आ जाएगा। तो आप समझ गए, चलिए आगे तो बढ़ते हैं। ओपन का क्या मतलब होता है, ओपन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई एमएस पेंट का ही फाइल खोलना है मुझे। मान लीजिए कोई फाइल सेव हुई हो, अब मान लीजिए कोई पेंट का फाइल सेव किया हो, तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन जैसे करेंगे तो ये वन नाम से एक फाइल सेव है, वन नाम से फाइल को हम चाहते हैं पेंट में खोल दें, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए और ओपन कर दीजिए, ये खुल जाएगा। अब फिर आप चाहते हैं दूसरा फाइल खोलना है तो ओपन करिए, कहने का मतलब है जो ऑलरेडी फाइल सेव हो पहले से उसको खोलने के लिए ओपन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहीं पर दिख रहा है सेव, सेव तो अभी हमने बताया है आपको, चलिए इसको पहले क्लोज करते हैं फिर से हम एमएस पेंट स्टार्ट कर लेते हैं। अब कुछ कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए ये कुछ हमने कार्य किया, ठीक है, और फाइल में हम गए और उसके बाद ये सेव करना है, तो सेव जैसे करेंगे तो ये लोकेशन पूछेगा, अभी हमने आपको बताया है। और सेव एज के बारे में हम थोड़ा आगे बताएंगे, आगे टॉपिक में हम इसके बारे में बताएंगे क्योंकि ये बार बार आएगा आपको और आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है ये सारी चीज़ें जो है प्रिंट वगैरह, तो ये सब आगे धीरे धीरे हम जानते रहेंगे। फिलहाल मुझे इतना जानना ज़रूरी था तो हमने बता दिया। तो ये मेनू बार है, अब ये क्लिप बोर्ड ऑप्शन है, आप देखिए इमेज है, इमेज में इतना सारा दिया है, टूल्स में इतना सारा दिया है, ये एक एक ग्रुप है, सेव ग्रुप में इतना सारा है, ये कॉलर ग्रुप में इतना सारा है, तो ये एक ग्रुप है। और नीचे वाले को ये देखिए, यहाँ पे बोलते हैं इसको स्टेटस बार, स्टेटस बार में क्या होता है, यहाँ से माइनस करिएगा तो जूम आउट होगा, मतलब छोटा होगा, और जूम इन कर लीजिएगा तो बड़ा होगा, तो स्टेटस बार में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया रहता है। और यहाँ पे नीचे इसको टास्क बार बोलते हैं, इसको टास्क बार बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक साइड में स्क्रॉल रहता है, आगे एप्लीकेशन में देखेंगे स्क्रॉल भी दिखेगा और इस नीचे वाले में भी एक स्क्रॉल दिखेगा आपको, तो उतना आगे भी आपको पता चलेगा कि ये स्क्रॉल किस लिए रहता है, क्यों रहता है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको हम डिलीट कर दें, पहले डिलीट कर दिए हम। यहाँ अब पेस्ट कट कॉपी के बारे में जानेंगे, चलिए एक मान लीजिए हम कोई सेव बना रहे हैं। अब देखिए सेव कैसे बना रहे हैं हम बताते हैं आपको, ये कोई एक सेव पे क्लिक कर दीजिए, मान लीजिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे क्लिक किए और यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया, ये सारे को क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया, जिस पे मुझे कार्य करना है, वर्किंग एरिया पे लाएंगे और लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है और फिर खींचना है माउस को, जिधर खींचिएगा उधर जाएगा, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है और फिर इसको लेफ्ट क्लिक दबाए रख के खींचें,
फिर स्टार बनाना है तो लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है फिर खींचना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि इसमें मुझे कलर करना है, मान लीजिए कोई कलर फिल करना है, तो ये बाल्टी दिख रहा है फिल विथ कलर, तो बाल्टी को लेंगे और इसमें से एक कलर सेलेक्ट करेंगे, ये रेड कलर सेलेक्ट करेंगे इसमें फिल कर देंगे, और येलो कलर सेलेक्ट करेंगे इसमें फिल कर देंगे, और ये ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। इतना सारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन आता है कॉपी का, कॉपी क्या होता है, कट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। चलिए कॉपी शुरू करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले मुझे सेलेक्ट करना जरूरी है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बार आपको दबा देना है, यहाँ पे दबाइए और ये इसको हम मान लीजिए सेलेक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक दबाए रख रहे हैं, उसके बाद खींच रहे हैं बराबर, एकदम बराबर खींचना है कि ताकि सारा शेप सेलेक्ट हो जाए। अब सेलेक्ट होने के बाद यहाँ कॉपी हाईलाइट होने लगा, देखिए अभी हाईलाइट नहीं हो रहा था, हाईलाइट नहीं हो रहा है, जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कॉपी हाईलाइट हो गया। कॉपी करेंगे यहाँ से, या कॉपी करें या कंट्रोल दबाए रखें सी दबाएँ, दोनों एक ही चीज़ है। कहने का मतलब यहाँ पे आप माउस के जरिए आपको दिया है तो यहाँ से आप कॉपी कर लें, या आपको शॉर्टकट करना है तो कंट्रोल प्लस सी होता है इसका शॉर्टकट, कंट्रोल दबाए रखें सी दबाएँ, उसके बाद पेस्ट, पेस्ट जैसे करिएगा तो ये इसका डबल बनाने लगेगा, कॉपी का मतलब होता है उसी का डुप्लीकेट बनाना, फिर पेस्ट करिए फिर डबल बनाने लगेगा इसी का, फिर पेस्ट करिए फिर डबल बनाने लगेगा। अब देखिए पेस्ट का, पेस्ट अब देखिए हम चाहते हैं पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, तो पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल भी दबाइए, ये आने लगेगा, आपने कंट्रोल भी दबाइए शॉर्टकट हो गया, कंट्रोल भी दबाइए। तो यहाँ से कॉपी और पेस्ट दोनों आप जान गए, किसी भी शेप को आप सिलेक्ट करिए कॉपी और फिर पेस्ट करके आसानी से होगा, और शॉर्टकट के भी माध्यम से बता दिया गया। फिलहाल तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस करिए मेरे वीडियो को देखकर, तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि अब चलिए डिलीट करते हैं कुछ, मुझे सारी चीज़ें डिलीट नहीं करनी, ये सब ज़्यादा आ गया, ये भी ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा है, कॉपी पेस्ट कर चुके ला लिए हैं ज़्यादा, तो हम चाहते हैं इसको अब धीरे एक एक करके हटाएं, तो कंट्रोल दबाए रखिए जेड दबाइए, या यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे अंडू इसको बोलते हैं, अंडू यही है, कंट्रोल जेड दबाइए या यहाँ से अंडू दबाइए, तो कंट्रोल जेड हम प्रेस कर रहे हैं, तो कंट्रोल जेड प्रेस किए ये सारी चीज़ें हट गई। अब मान लीजिए सब डिलीट करना पड़ता ना मुझे, तो कंट्रोल जेड से एक एक करके हम सब हटा दिए, और कंट्रोल जेड एक बार और किए, गलती से ये मेरा कलर गायब हो गया, मान लीजिए कंट्रोल जेड मुझे इसको हटा, इसका कॉपी जितना था उसी को हटाने के लिए करना था, आज ज़्यादा हो गया कंट्रोल जेड एक बार, तो ये जो कलर किए थे यहाँ पे ये हट गया, तो उसको वापस लाने के लिए आप कंट्रोल वाई एक बार दबा दीजिए फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर कंट्रोल जेड दो बार हो गया गलती से बैक हो गया है तो आपको कंट्रोल वाई से वापस ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रीडो है कंट्रोल वाई से वापस आ सकता है, कंट्रोल जेड से ये बाहर जा सकता है, रीडो मतलब जा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कट दिया है, मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया है, जैसे ही कट करेंगे तो कट का मतलब होता है यहाँ से रिमूव कर देगा, और पेस्ट करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा, और कॉपी का क्या मतलब होता था उसी का डुप्लीकेट बनाता था, और ये कट का मतलब हुआ कि यहाँ से इसको हटा देगा और दूसरे जगह शिफ्ट कर देगा, आप जैसे चाहें वहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए फिर पेस्ट करेंगे तो ये आएगा। अब इस पर बीचों बीच माउस लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है और इसको खींच के जहाँ रखना है आप रख सकते हैं आसानी से, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है, इसको खींच के जहाँ ले जाना है ले जाइए, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, ठीक। कट कॉपी पेस्ट हो गया, अब कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स करिए या यहाँ से आप कट करिए, फिर कंट्रोल जेड से वापस ला देते हैं और फिर सुधार करके कंट्रोल जेड की इसकी भी पोजीशन बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन आता है सेलेक्ट, सेलेक्ट में क्या क्या है देखिए, सेलेक्ट में है सेलेक्ट, देखिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट का, सेलेक्ट में आपको क्या दिख रहा है, अब देखिए यहाँ सेलेक्ट है, सेलेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मेरा सेलेक्ट पे ऑलरेडी क्लिक हो रहा है, और जैसे ये दिख रहा है डाउन तीर की तरह दिख रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो
तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन खुल रहा है, ये सब ऑप्शन कहाँ से आया, मुझे ये बीचों बीच क्लिक नहीं करना है, ये सेलेक्ट क्लिक नहीं करना है। ये देखिए सेलेक्ट के नीचे एक तीर की तरह बना है डाउन की तरह, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये सब जानते हैं क्या होता है। अभी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक है ऑलरेडी, तो अभी बताया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इसी को बोलते हैं जो सेलेक्ट कर रहे थे उस समय से। और फिर इस पर चलते हैं, ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ हम चाहें ऐसे लेफ्ट क्लिक दबाए रखे हैं और ऐसे ऐसे स्टाइल में इसको बना के हम चाहते हैं इसको काट लें इतना, तो आप काट सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड से फिर सुधार कर लिए, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से हम चाहते हैं इस शेप को इस शेप में से इतना, और फिर यहाँ पर खींच लेना है, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है फिर खींच दे रहे हैं, तो यहाँ से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से इस टाइप का कुछ काटा जा सकता है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है ये सारी एरिया को सेलेक्ट कर देगा, ठीक है, सारी एरिया को सेलेक्ट कर देगा। यहाँ पे दिख रहा है सारी एरिया सेलेक्ट हुई है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देता है डिलीट का, डिलीट दबाइए सारी चीज़ें डिलीट, फिर कंट्रोल जेड से वापस ला लेते हैं। कंट्रोल जेड तो आपको कन्फ्यूज नहीं ना कर रहा है, मतलब अंडू, अंडू मतलब एक स्टेप पीछे आना, अगर गलती से कुछ डिलीट हो गया हो तो उसको वापस लाना, तो ठीक है। सेलेक्ट ऑल देखिए यहाँ था एक डिलीट था, तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ए प्रेस करिए सारी चीज़ें सेलेक्ट ऑल हो जाएंगी, ये दिख रहा होगा आपको सेलेक्ट ऑल हो गई, और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दीजिए ये डिलीट हो गया, ये हो गया शॉर्टकट, और फिर कंट्रोल जेड से वापस ला दिए, तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से करिए कंट्रोल ए डिलीट, ठीक है। अब देखिए इसमें इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है, इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए हम इस शेप को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, हम इस शेप को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद इन्वर्ट सिलेक्शन कर लिए, जैसे इन्वर्ट सिलेक्शन कर देंगे उसके बाद अगर हम देखिए इन्वर्ट सिलेक्शन करने के बाद ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई, बैकग्राउंड पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वर्किंग एरिया पर, अब हम चाहते हैं कि मुझे इसको छोड़ के ये दो डिलीट हो जाए, डिलीट करिए डिलीट हो जाएगा। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने इन्वर्ट सिलेक्शन इस पर लगाया था, पर मान लीजिए इस पर सेलेक्ट करें, सॉरी अब मान लीजिए इस पर सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद हम इन्वर्ट सिलेक्शन कर दें, तो इस पर सेलेक्ट करके हम इन्वर्ट सिलेक्शन कर दिए हैं, अब डिलीट प्रेस करेंगे तो ये छोड़ के बाकी सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इतना आसानी से इसको इन्वर्ट सिलेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से फिर वापस ला लिए। अब देखिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के लिए पहले हम इस शेप को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी काम बिना सेलेक्ट किए नहीं होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि इस शेप को इस पर रखें, देखिए जैसे ही इस पर रख रहे हैं तो कहने का मतलब है कि ये स्टार तो बना है इतना दूर में, देखिए स्टार इतना दूर में बना है, ये साइड साइड से वाइट वाइट क्यों आ जा रहा है। अब कहने का मतलब अगर हम इसको सेलेक्ट ऐसे कर लें और उसके बाद इसको इसके ऊपर रखना है, तो मुझे ये इतना ही स्टार का ही ना ज़रूरत है, ये सब साइड साइड में आ जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम सेलेक्ट करने के बाद अगर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन कर देंगे यहाँ पे, अब उसके बाद इसको रखेंगे तो यहाँ पे वाइट वाइट वाला नहीं ना आ रहा है यहाँ पे। अभी कुछ देर पहले देखिए क्या हो रहा था, अब से फिर से बता रहे हैं, अगर ये सेव को सेलेक्ट कीजिए आप यहाँ रख रहे हैं, तो आप रखने के बाद यहाँ पे वाइट वाइट ये नहीं आना है, वाइट वाइट से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना से मतलब है ये सेव जितना दूर में बना है। तो फिर यहाँ पे आप जाइए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर दीजिए, और फिर आपका वाइट वाला बैकग्राउंड हट जाएगा और बाकी जितना दूर में सेव बना हो उतना ही एरिया कवर करेगा। इतना अच्छा लग रहा है ना, तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आप समझ गए होंगे क्या होता है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा इसको देख के, तभी आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं क्रॉप, क्रॉप की क्या है, क्रॉप करने के लिए हम मान लीजिए इसमें सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे, और हम चाहते हैं ये आधा इतना शेप काट दें इसका, तो इसको पकड़ के इधर खींच दीजिए, जिधर खींचना हो आप काट दीजिए, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के कोने से, इस कोने से पकड़ना है, डॉट पे पकड़ के आप यहाँ से आसानी से फूल कर सकते हैं इसको, ठीक।
फुल कर दीजिए या फिर फुल हो जाएगा। तो क्रॉप तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आजकल फ़ोन में भी बहुत क्रॉप यूज़ किया जा रहा है। अगर दो फोटो हो, आपको एक फ़ोटो को अलग करना हो, तो आप क्रॉप के मदद से कर लेते हैं। ऐसे ही कंट्रोल जेड से फिर सुधार हम कर लेते हैं जो भी गलतियाँ हुई हैं। अब देखिए रिसाइज का क्या मतलब होता है। रिसाइज का मतलब देखिए, इसको हम सेलेक्ट किए हैं, अब रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हॉरिजेंटल है, ये इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन को हॉरिजेंटल, ये जो है इसको वर्टिकल बोलेंगे। ये डॉट से लेकर इस डॉट तक एक रेखा अगर रहती तो इसको वर्टिकल बोलते हैं, और इस डॉट से लेकर इस डॉट तक एक रेखा रहती तो इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे ही इसमें फिगर में भी दिखाया है, ये हॉरिजेंटल ये वर्टिकल। तो अब मान लीजिए 100% यहाँ पे 100 दिखा रहा है, तो 100 ये पीक का साइज है हॉरिजेंटल से और वर्टिकल से। हम चाहते हैं कि 50 हॉरिजेंटल से और 50 वर्टिकल से हो जाए। ओके फिर करेंगे तो ये दोनों तरफ से कंप्रेस कर देंगे फोटो, 50 ओरिजेंटल से 50 वर्टिकल से कंप्रेस कर देगा। फिर कंट्रोल जेड से सुधार कर लेते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं। इसी में देखिए एक दिया है ये, इसके डिग्री पे घुमाना, मान लीजिए कि ओरिजेंटल से हम घुमा दें 30 डिग्री और वर्टिकल से घुमा दें 50 डिग्री, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस शेप का साइज ऐसा हो जाएगा। इसको डिग्री पे घुमा दीजिए, इसके ऊपर दीजिए, ठीक है, और जेड से अपना सुधार कर लेंगे इसको, ठीक है। और ऐसे ही देखिए अब रोटेट की बात आती है। रोटेट में क्या है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद रोटेट पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं 90 डिग्री पे घुमा दें, इसे 90 डिग्री पे घुमा दीजिए, और यहाँ पे 180 डिग्री पे घुमाना है 180 डिग्री पे घुमाइए। फ्लिप वर्टिकल करना है वर्टिकल कर दीजिए, और फ्लिप ओरिजेंटल करना है तो ओरिजेंटल कर दीजिए। इसका दिशा बदल रहा है ना, इस शेप का चेंज हो रहा है कि नहीं दिशा। अब मान लीजिए ये वाला देखिए, ये वाला जो है कभी इस साइड, तो यहाँ पे फिगर में भी दिखाया होगा कि आपको कहाँ घुमाना है, 90 डिग्री पे घुमाना है 90 डिग्री लेफ्ट घुमाइए, 90 डिग्री राइट घुमाइए, और रोटेट 180 डिग्री करना है तो रोटेट घुमाइए, और फिर फ्लिप वर्टिकल करना है फ्लिप वर्टिकल करिए, फ्लिप ओरिजेंटल करना है फ्लिप ओरिजेंटल कर सकते हैं, ठीक है। तो रोटेट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए कंट्रोल जेड से हम सुधार लिए। अब देखिए यहाँ पे पेंसिल का यूज़ बताते हैं, ये पेंसिल क्या होता है। पेंसिल का यूज से हम कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है, ऐसे ऐसे कुछ बनाना है ड्राइंग, और ड्राइंग बनाने के बाद टच करके यहाँ पे बाल्टी लेंगे, बाल्टी लेने के बाद यहाँ पर रेड कलर लेंगे, इसमें भर देंगे, ठीक है। तो ऐसे पेंसिल की मदद से हम आसानी से कार्य कर सकते हैं, पेंसिल इसीलिए है इसमें, ठीक है। चलिए पेंसिल का जहाँ आपको यूज करना है आप कट लीजिएगा। अब बात करते हैं हम ये इरेजर की। इरेजर क्या होता है, इरेजर मतलब मिटाना। देखिए इरेजर पे क्लिक करेंगे और इस देखिए जैसे इरेजर पे क्लिक करेंगे इरेजर मेरा शो होने लगेगा, यहाँ पे इसको इरेज करने लगेगा। अब लेफ्ट क्लिक दबाए रख रहे हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए रख रहे हैं, अब इसको ऐसे खींच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है। अब चाहते हैं कि हम इरेजर तो आ गया लेकिन इरेजर बहुत छोटा है, हम चाहते हैं कि इसको बड़ा कर लें, इरेजर को बड़ा कर लें ताकि ये बहुत जल्द मिटा सकें। तो ये आपको कंट्रोल कीबोर्ड में दबाए रखना है और फिर प्लस बटन ढूंढना है, तो प्लस दबाना है तो ये प्लस से बड़ा होगा, अब इतना ही बड़ा हो सकता है। अब इसको आराम से आप लेफ्ट क्लिक दबाए रखिए और जिधर जिधर घुमाइएगा उधर उधर मिटेगा। तो इससे इरेज आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे ही देखिए आप कंट्रोल दबाए रखिए और माइनस दबाइएगा तो इरेज छोटा होगा, ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहिए आप कर सकते हैं। कंट्रोल दबाए रखिए प्लस दबाइए बड़ा, कंट्रोल दबाए रखिए माइनस दबाइए छोटा, तो इरेजर को बड़ा करना छोटा करना भी बता दिए, कंट्रोल प्लस से बड़ा कंट्रोल माइनस से छोटा। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि ये एक कलर पिकर है और ये बाल्टी के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले कलर पिकर बता देते हैं। कलर पिकर क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई एक और शेप बना है, इसमें भी हम कलर भर दिए, कोई ग्रीन कलर भर दिए, मान लीजिए ग्रीन कलर भर दिए, और कोई हमने एक और शेप बनाया, कोई एक फिर स्टार बनाया हमने, हम चाहते हैं देखिएगा यहाँ ध्यान से जो भी कलर सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो जा रहा है ना, तभी ना हम बाल्टी की मदद से हम यहाँ आसानी से भर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे पहले ब्लैक था, ब्लैक मान लीजिए ब्लैक है यहाँ पे। कलर पिकर क्या करता है,
मान लीजिए कोई कलर है, ये मान लीजिए ये तीनों कलर में से मेरे पास ये वाला जो कलर है, ये वाला रेड कलर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये स्टार में हम यही कलर भरें, फील करें। तो मान लीजिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा कलर होती तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, फिर बाल्टी लेते हैं, तो समय लगता कि नहीं। अब यहाँ से मान लीजिए रेड सेलेक्ट किए, फिर बाल्टी लिए, फिर यहाँ पर लाके लगाएंगे। जैसे ही आप कलर पिक करके क्लिक करिए और यहाँ पर रेड पे जैसे ही क्लिक करिएगा, इसे रेड पर क्लिक करिएगा, आप लोग फिर रेड वहाँ पे हो जाएगा। आप फिर फिल कर दीजिए इसमें आप रेड। अब फिर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये ब्लू कलर पर क्लिक करिए, यहाँ पर आप लोग भी ब्लू हो जाएगा और यहाँ पर बाल्टी से भर देगा। ठीक है, इसको कलर में कॉपी कर रहा है कलर पिक का। ठीक है, अब मैग्नीफायर का क्या काम है, देखिए मैग्नीफायर क्लिक करेंगे जैसे तो जूम इन करने के लिए होता है। अब मैग्नीफायर पे क्लिक करेगा तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा और इस शेप पे जैसे क्लिक करते जाइएगा ये जूम होते जाएगा। लेफ्ट क्लिक दबा रहे हैं, लेफ्ट क्लिक दबाने से जूम होगा और राइट क्लिक दबाइएगा तो छोटा होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट क्लिक दबा रहे हैं तो जूम हो रहा है, राइट क्लिक दबा रहे हैं तो छोटा हो रहा है। तो मैग्नीफायर का ये काम है, आप यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं जूम इन, जूम आउट, जूम इन जूम इन इससे कर सकते हैं, जूम आउट इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नीफायर की मदद से क्या करते हैं, किसी एक शेप पे प्रॉब्लम, मतलब ये मान लीजिए किसी एक शेप पे करना है तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए फिर छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाल्टी की यूज बता रहे हैं। देखिए बाल्टी का क्या मदद है कि अगर कोई शेप बना है, ये शेप बना है, फिर हम चाहते हैं इसमें कलर भरना है, तो आप बाल्टी पे क्लिक करिए और इसमें से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ये पिंक कलर सेलेक्ट करिए और इसमें लाके भर दीजिए। एक बार यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देना है, कहने का मतलब ये शेप बनाए, फिर इस कुछ इस टाइप का शेप बनाए और उसके बाद हम बाल्टी पे क्लिक किए और ये वाला कलर सेलेक्ट किए और यहाँ पे बाल्टी लाके भर दिए, फिल कर दिए, लेफ्ट क्लिक कर देना है, वह भी भर जाएगा। ठीक है, फिल हो गया, इरेजर हो गया, कलर पिकर, मैग्नीफायर, ये एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। टेक्स्ट वाला ऑप्शन हम इसको लास्ट में बताते हैं, ये सब बता देने के बाद, ये सारे ऑप्शन बता देने के बाद हम इसको भी टेक्स्ट के बारे में भी आपको बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रश के बारे में जान लें, ब्रशेस क्या है। देखिए यहाँ पे हर किस्म का ब्रश मिलेगा आपको, इस ब्रश से यूज करिएगा तो ऐसे होगा और ये ब्रश को जब यूज करिएगा तो ऐसे होगा। इसको यूज कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक दबाए रख रहे हैं, जैसे घुमाइएगा वैसे घूमेगा, जैसे पेंसिल कर रहे हैं। और फिर अलग अलग किस्म का अलग अलग ब्रश है, मान लीजिए ये वाला ब्रश क्लिक करिएगा तो कुछ इस टाइप का होगा। तो अलग अलग ब्रश अलग अलग टाइप का काम करता है, आपको जैसा ब्रश लेना हो आप ले लीजिए और यूज कर सकते हैं ब्रश से भी। बाल्टी लेंगे यहाँ पे, इसमें भी कलर भर सकते हैं आप आसानी से। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई शेप बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये शेप बनाए हैं, आपको इरेज से हल्का सा दाग लगते हैं, मान लीजिए ये थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और बड़ा कर दें, अभी थोड़ा सा छोटा करेंगे, इतना छोटा कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर शेप में से क्या है ये पूरा टच नहीं है। अब जैसे हम कलर भरते हैं इसमें तो ये पूरा बैकग्राउंड में भर जाता है, तो ऐसा गलती आपसे होता है, एकदम छोटी सी यहाँ पे अगर मिस्टेक भी हुई रहेगी ना, आपको यहाँ पे पूरा इस लाइन को टच करना पड़ेगा तभी जाके फील होता है। तो ये बात का भी ध्यान रखिए, कभी ऐसा आपके साथ स्थिति हो तो आप इसको कैसे सुधारेंगे, आप पेंसिल लीजिए और पेंसिल से आप यहाँ पर टच कर दीजिए और बाल्टी ले कर यहाँ पर आप भर दीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं और आप ध्यान रखें, अगर कभी आपका शेप अगर टच नहीं है, कहीं भी ब्लैंक है थोड़ा सा भी, तो ये कलर भरने में प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, ब्रश भी आप देखिए अलग अलग किस्म का, अलग अलग ब्रश है, आप जो यूज करना है आप कर सकते हैं। अब चलिए इसको डिलीट करते हैं और शेप की तरफ चलते हैं, कंट्रोल ए किए डिलीट दबा दिए, चलते हैं शेप में। सबसे पहले लाइन शेप पर क्लिक करेंगे और इसको खींचेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है, माउस को खींचना है। देखिए लाइन तो ऐसे बना दे रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि कोई मुझे लाइन टेढ़ी लाइन बन, जो लाइन है टेढ़ी बन रही है, हम चाहते हैं इसको सीधा बनाना है, तो आप इस लाइन पे क्लिक करिए और यहाँ पे कीबोर्ड में देखिएगा शिफ्ट बटन होगा, शिफ्ट बटन प्रेस किए रहना है,
मतलब शिफ्ट बटन को दबाए रखना है और फिर लाइन शेप को खींचना है, एकदम स्ट्रेट खींचेगा, एकदम सीधा लाइन बनेगा। फिर माउस छोड़ना है तब शिफ्ट बटन छोड़ना है, फिर इस पर भी शिफ्ट बटन दबाए रखना है और फिर माउस पकड़ के खींचना है और फिर माउस छोड़ना है तब शिफ्ट बटन छोड़ना है, शिफ्ट बटन दबाए रखना है, ठीक है, तब जाके सीधा। और ये लाइन के बारे में जानते हैं, एक और शेप है, देखिए एक शेप है ये कर्व शेप। कर्व शेप का क्या खूबी है, देखिए ये कर्व शेप को हम तीन स्टेप में पूरा करेंगे। कहने का मतलब है कि ये एक स्टेप ये हुआ, एक रेखा खींचे तो एक स्टेप ये हुआ, और दो स्टेप ये हुआ, और तीन स्टेप ये हुआ। ये शेप तीन स्टेप में तैयार होता है। अगर आप सोचिएगा कि ऐसे लाइन खींच दिए और उसके बाद छोड़ दिए, इधर उधर भागने लगे, तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ प्रॉब्लम। तो आपको इस कर्व शेप को तैयार करने के लिए एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप करिए, उसके बाद यहाँ पे आपको डिजाइन आसानी से बना दीजिए। डिजाइन बना देना है और बाल्टी लेना है, इसमें रेड कलर फिल कर देना है, ठीक है। आपको जैसा बनाना हो आप कर्व शेप से बना सकते हैं, और कर्व शेप का खूबी जान गए, तीन स्टेप में पूरा होता है। ऐसे ये सारी शेप दी हुई है, नीचे भी यहाँ पे करिएगा तो ये भी सारी शेपें दी हुई हैं। आपको जो यूज करना है आप यहाँ से यूज करके बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। तब आउटलाइन फील के बारे में जानते हैं, तब साइज के भी बारे में भी जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई शेप है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, हम इसको ड्रॉ किए हैं। अब उसके बाद हम चाहते हैं एक और स्टार बनाए, इसको भी ड्रॉ किए, और जैसे ड्रॉ करेंगे हम चाहते हैं इस लाइन का जो ये मोटाई है, जो मोटाई है और मोटा हो जाए। ये लाइन जो है इतना पतला है तो इसका और मोटा करना है मुझे, इस साइज पे क्लिक करिए और यहाँ पे ट्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा और मोटा हो गया। अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा मोटा करने के लिए, साइज पे क्लिक करके इतना ही हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको मोटा करना है तो आप कंट्रोल प्रेस किए रहना है आपको, फिर प्लस दबाना है। कहने का मतलब कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाए रखिए तब प्लस दबाइए, प्लस दबाइएगा ये मोटा होगा, माइनस दबाइएगा ये पतला होगा। तो आपको जिस टाइप का करना है आप कर सकते हैं, लाइन जितना मोटा करना है पतला करना है आप इससे कर सकते हैं। कंट्रोल दबाए रखिए, प्लस दबाइए मोटा, माइनस दबाइए पतला, ठीक है। और साइज में दिया है एक ही ऑप्शन, यहाँ तक आप कर सकते हैं। अब ऐसे ही अब बात आती है कि आउटलाइन और फील के बारे में जान लीजिए। अब मान लीजिए कोई शेप बनाया है, शेप बनाया और फिर इसका लाइन मोटा करने दिए, इसका लाइन मोटा कर देना है, कंट्रोल दबाइए प्लस दबाइए, लाइन मोटा हो गया। और सेलेक्ट ये रहने देना है, जैसे शेप बनाना है ये सेलेक्ट हटे ना, देखिएगा ये जो सेलेक्ट है ये सेलेक्ट ही रहे, जैसे शेप खींचेंगे वो आपकी सेलेक्ट ही रहता है। इस लाइन को हमने मोटा कर दिया कंट्रोल प्लस दबा कर, और उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन जो है आउटलाइन को बदल सकते हैं इस लाइन का। देखिए ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, खूब बढ़िया वाटर कलर मान लीजिए रख दिए, और उसके बाद हम चाहते हैं इसमें कोई कलर भी फिल करना है तो कलर भी फिल करना है तो वो मार्कर टाइप का हो या ऑयल टाइप का, ऑयल पे क्लिक कर देंगे और बाल्टी लेंगे और उसमें येलो कलर फिल करेंगे तो देखिए कुछ अलग टाइप का होगा। अब ऐसे ही मान लीजिए जब शेप बनाएंगे कोई तो वैसा ही बनेगा, शेप बनाए फिर ये सेलेक्ट ही रहने देना है, और इसमें आउटलाइन में हम चाहें दूसरा सॉलिड कलर, मतलब एकदम सिंपल कलर, नो आउटलाइन मतलब कुछ नहीं दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर मार्कर मतलब कुछ अलग हो गया, ऑयल मतलब कुछ अलग, नेचुरल पेंसिल मतलब अलग, वाटर कलर मतलब अलग, नेचुरल पेंसिल कर दिए। और चाहते हैं फील जो होगा इसमें, ये जो अंदर ये कलर भर रहे हैं इसको बोलते हैं फील, फील कलर बोलते हैं। इसमें जो फील करेंगे हम वो नेचुरल पेंसिल नहीं, मान लीजिए ये वाटर कलर का हो, वाटर कलर का हो, और बाल्टी लेंगे इसमें रेड कलर हम भरेंगे। देखिए इस टाइप का कुछ हो गया। आउटलाइन फिल कब करना है, शेप बनाइएगा, बनाने के बाद ये सेलेक्ट रहेगा तभी काम करेगा। सॉलिड कलर कर दीजिए पहले की तरह, इसमें भी फिल में आइए सॉलिड कलर कर दीजिए तो फिर आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, पहले की तरह आप होने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, नो
नो आउटलाइन जो दिखा रहा है यहाँ पे, नो फील्ड और नो आउटलाइन, इसका मतलब इसके अंदर कोई, इसका आउटलाइन हट जाएगा। अब फील्ड का मतलब इसमें नो फील्ड, चाहे कोई फील्ड ना करें, सॉलिड कलर रखेगा, सॉलिड कलर जो भी करिएगा का वही कलर उसमें फील होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अब चलते हैं कलर वन, कलर टू है क्या आखिर, इसके बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक स्क्रॉल दिया गया है, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल दिया गया है। तो हम बोले थे कि जैसे वर्क करिएगा यहाँ पे स्क्रॉल आ जाएगा, तो ये स्क्रॉल है ऊपर नीचे, माउस में भी स्क्रॉल बटन दिया, इसको नीचे करिएगा नीचे जाएगा, ऊपर करिएगा ऊपर जाएगा, माउस के माध्यम से, ठीक है। तो माउस का भी स्क्रॉल बटन से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये कलर वन क्या है, कलर टू क्या है, देखिए कलर वन क्या होता है कि देखिए कोई शेप बनाए, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। हम कोई शेप बनाते हैं, ये शेप हम बनाएं, अब इसका लाइन थोड़ा हम पतला कर देते हैं, इतना नहीं, लाइन पतला कर दिए। उसके बाद शेप बनाने के बाद हम इसमें जो भी कलर भर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कलर वन पे ही ना सिलेक्ट आ रहा है। अब उसके बाद ये ब्लू कलर सेलेक्ट किया, भर दे रहे हैं इसमें, फिल कर दे रहे हैं। अब देखिए अगर गलती से आपका मान लीजिए ये कलर टू पे सेलेक्ट है और आपने कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया है येल्लो और इसमें फिल कर रहे हैं तो ब्लैक ही होगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पहले वाइट था ये, अगर हम यहाँ पे ये कलर टू पे गलती से आप कोई सिलेक्ट कर लिया हो या आपसे ही हो गया है, आप पहली बार अगर पेंट सीख रहे हैं तो ऐसा गलती हो ही जाता है, कलर टू पे सिलेक्ट कर देते हैं और आप यहाँ पे सोचते हैं कि हम रेड कलर फिल करना है तो रेड कलर करेंगे और बाल्टी लेंगे और इसमें भर देंगे तो ब्लैक ही भरेगा। तो आप ये समझ गए कलर वन जो है, कलर वन जो है, कलर वन जो इसमें फिल कर रहे हैं उसके लिए है, इसमें आप रेड कलर सेलेक्ट करिए और इसमें फिल कर दीजिए, फिल आसानी से हो जाएगा। और ये जो कलर टू दिख रहा है ये बैकग्राउंड के लिए है, ये जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड का कलर मुझे चेंज करना है तो मैं कभी भी कलर टू से करूँगा, कलर टू से चेंज करूँगा। देखिए कहाँ गलती होता है, अभी हम गलती भी बताएंगे इस वीडियो में। अगर मान लीजिए कलर वन में ही है आप और ये ब्लू कलर सेलेक्ट किए और ये लेफ्ट क्लिक से इसमें फिल कर दिए, तो देखिए बैकग्राउंड में तो आप कलर फिल कर दिए हैं। अब आप चाहते हैं कि इस शेप को जो है, इस शेप को मुझे मिटाना है, ये इरेजर की मदद से मुझे मिटाना है। चलिए इरेजर ले लिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लिए। अब देखिए इसको हम मिटाएंगे तो देखिए कुछ इस टाइप का होगा, फिर मेरा बैकग्राउंड ख़राब होने लगा, जो भी बैकग्राउंड में कलर फिल किए थे वो तो ख़राब होने लगा। तो कभी भी, कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको बैकग्राउंड में कलर फिल करना हो तो आप कलर टू पे जाके करेंगे। आज जो इस शेप के अंदर करना है, अगर आपको इस शेप के अंदर करना है तो आप कलर वन से करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं, अगर मान लीजिए पहले की तरह कर दिए वाइट, अब कलर टू पे गए, अब इसमें मुझे क्या करना था, ये ब्लू कलर फिल करना था और फिर बाल्टी लिए और इसमें हम फिल कर दिए ब्लू कलर, अब वो भी राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से इसमें फिल करेंगे, लेफ्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर देंगे, अब इरेजर लेंगे और इसको मिटाएंगे तो देखिए प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम से आप देखिए, ऐसा प्रॉब्लम आपको होता है। अब बहुत ऐसे लोग गलती कर देते हैं कि आप क्या करते हैं कि ये कोई शेप बन गया है, इसको इरेज करने के लिए, अब इरेज जब करेंगे तो यहाँ पे कलर टू पे देखेंगे नहीं कि मेरा क्या था, बैकग्राउंड कलर तो वाइट सेलेक्ट है, अगर कलर टू पे येलो ब्लू कलर सेलेक्ट कर दिए अब इसको आसानी से मिटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको डिलीट कर दें, अब यहाँ से देख सकते हैं एडिट कलर, एडिट कलर का मतलब ये देखिए एक लाइन कलर का, ये दो लाइन, दो लाइन ही है कलर का, हम चाहते हैं कोई कलर और बनाना है तो एडिट कलर करिए, यहाँ से मिक्सिंग कर सकते हैं, या आपको यहाँ दिया है कलर इतना सारा बना बनाया, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से आसानी से ले जा सकते हैं, एडिट कलर करिए या यहाँ पे ये कलर कस्टम अपने से बना लीजिए, ये ऊपर नीचे डाउन ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है इफेक्ट, यहाँ पे
जो भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट करिए, यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है, मान लीजिए ये कलर मुझे ले जाना है यहाँ पे, तो ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे ये आ गया, आसानी से यहाँ पे फिल कर दीजिए, यहाँ पे फिल कर दीजिए आसानी से, हो गया। ग्रिड कलर से आप कलर बना सकते हैं। अब चलिए ये एडिट विथ पेंट 3D, ये एक पेंट 3D है, वो विंडोज 7 में नहीं रहता है, विंडोज 10 में ही रहता है, तो हम इसके बारे में भी कभी आपको बता देंगे, अभी फिलहाल इसमें नहीं जानना है, इसमें इतना ही जानना है। अब चलते हैं व्यू के तरफ। व्यू मेनू में क्या है, देखिए व्यू मेनू में जैसे जाइएगा, पहले हम कोई शेप बना लेते हैं, ये कोई शेप बना लिए। व्यू मेनू में जाएंगे तो जूम इन का क्या मतलब होता है, जूम इन मतलब इस पेज को बड़ा करना है, यहीं से जो दिख रहा था आपको जूम इन करना है, यहाँ से जूम इन आप कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, तो यही चीज़ है, जूम आउट करिएगा छोटा होगा, जूम इन करिएगा बड़ा होगा। और आप चाहते हैं नॉर्मल कर दें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दें, तो 100% पे क्लिक कर दीजिए, 100% हो जाएगा ये, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गया, ठीक है। और देखिए क्या होता है, इसमें एक रूलर होता है, रूलर में क्या होता है कि रूलर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मेजरमेंट दिखाने लगेगा, ये रूलर के माध्यम से हम आसानी से काम कर सकते हैं। ऐसा अगर कभी आपको लाना हो रूलर, तो आप रूलर ला सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि सेंटर कहाँ है, और कोई शेप बना रहे हैं तो आप सेंटर मिला सकें, ठीक। हाँ, ग्रिड लाइन लाना है, अगर ग्रिड लाइन लाना है तो ग्रिड लाइन भी आप ला सकते हैं, स्क्वायर टाइप का आ जाएगा कुछ इस तरह। अब इसमें आप शेप बना लीजिए और अपना बराबर हिसाब से देख लीजिए कहाँ कौन बराबर है, कितना बराबर है, ठीक है। और आप चाहते हैं दोनों को बंद करना, तो ग्रिड लाइन को भी बंद करिए, रूलर्स को भी बंद करिए, और स्टेटस बार देखिए यहाँ पे नीचे जो है, आप चाहते हैं स्टेटस बार को छुपा दें, स्टेटस बार को भी आप छुपा सकते हैं, यहाँ से स्टेटस बार ऑफ कर सकते हैं, ये कभी गायब हो जाए, मान लीजिए जूम इन और जूम आउट करने वाला ऑप्शन ही कभी गायब हो जाए, तो आप यहाँ से व्यू में जाइएगा, स्टेटस बार क्लिक करिएगा, ये फिर वापस आ जाएगा, ठीक। फुल स्क्रीन का क्या मतलब होता है, फुल स्क्रीन करिएगा तो एकदम ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन करने के बाद कहीं डबल क्लिक करिए, फिर वापस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे, लास्ट में आपको बताएंगे टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं, टेक्स्ट के बारे में जानते हैं। देखिए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है और खींचना है, जैसे ही खींचिएगा आपको कुछ इस टाइप का बॉक्स बन जाएगा, और इसमें लिखना है दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय लिखिए, कीबोर्ड से टाइप करिए, और सबको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए जैसे ही ये टेक्स्ट लिखिएगा तो एक टेक्स्ट टूल खुल के आ जाएगा, टेक्स्ट मेनू खुल के आ जाएगा, यहाँ पे ये सब जानना है। देखिए आप इसको सेलेक्ट करिए, और आप चाहते हैं कि मुझे इसको बड़ा करना है, थोड़ा और बड़ा करना है, देखिए ये जो एरिया जो है ये सेलेक्ट हुआ है, ये होना चाहिए, अगर इससे बाहर निकल जाइएगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो दिस इज बॉय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ध्यान रखिए इस तरह हम खींचेंगे और इसमें लिखेंगे दिस इज बॉय, दिस इज बॉय लिख दिए, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय अगर लिख दिए हैं, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, कोई भी काम करने से पहले सेलेक्ट करना है, बाहर मत निकलिएगा, इसी के अंदर आप जो भी करना है करिए। अब उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी चाहे आप, मान लीजिए कॉपी कर दिए और आप चाहते हैं कि यहाँ पर कर्जर कर, इसको क्या बोलते हैं, कर्जर बोलते हैं, कर्जर को इंटर दबा के नीचे लाइए, पेस्ट कर लेगा तो यहाँ आने लगेगा, फिर कंट्रोल भी कर आने लगेगा, इससे कॉपी पेस्ट आप कट भी कर सकते हैं आसानी से इसको। अब ऐसे ही देखिए सेलेक्ट किए, यहाँ से हम चाहते हैं इसका साइज बढ़ाना, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज़ के मदद से आप 72 तक दिया है, या आप 22 बढ़ाइए, या आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 36 करना है या 72 करना है, तो आप 72 कर दीजिए। 72 करने के बाद यहाँ पे स्टाइल दिया है, फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट का स्टाइल, आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे जो भी स्टाइल देना है, मान लीजिए इस स्टाइल में देना है इस स्टाइल में दीजिए, या आपको इस स्टाइल में देना है इस स्टाइल में, जो भी स्टाइल आपको सिलेक्ट अच्छा लगे इसमें से दे सकते हैं, आपको पास बहुत सारा खुल जाएगा। ये स्क्रॉल पे ऊपर नीचे करिएगा तो ये इसमें आएगा, ये ऊपर करती हैं स्क्रॉल पे फिर दबाए रखना है, लेफ्ट क्लिक नीचे करेंगे तो नीचे आएगा, और फिर इसमें से हम जो भी स्टाइल बदलेंगे बदल जाएगा, और बोल्ड का क्या मतलब होता है, थोड़ा मोटा कर देगा,
देखिए कुछ इस टाइप का है, तो थोड़ा हल्का मोटा करना है तो बोल्ड में मोटा हो गया। और इस सेलेक्ट करेंगे इटाली का क्या मतलब हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। और फिर सेलेक्ट करेंगे अगर चाहते हैं अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन कर सकते हैं। और फिर सेलेक्ट करें हम चाहते हैं नहीं अंडरलाइन हटाना है तो फिर सेलेक्ट करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करिए और अंडरलाइन पे जाके क्लिक कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा। इटैलिक पे भी क्लिक कर दीजिए, फिर अपना ओरिजिनल में आ जाएगा। और फिर बोल्ड पे हटा देंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। तो आपको जो करना है आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या तो आप उसे हटा भी सकते हैं। अंडरलाइन हटाना है, अंडरलाइन सिलेक्ट करके करिए और सिलेक्ट करके फिर हटा दीजिए। अब ये स्ट्राइप थ्रू क्या होता है, इसको काटने के लिए होता है, अगर ऐसा काटना हो तो ये स्ट्राइप थ्रू का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर स्ट्राइप थ्रू हटाना है तो आप इसे यहाँ से हटा दीजिए और फिर इंटर दबाइए। अब फिर देखिए आप लिखिएगा तो आप चाहते हैं नहीं मेरा बोल्ड ना लिखे तो फिर सेलेक्ट करिए, फिर बोल्ड को बंद करिए। आप चाहते हैं स्टाइल चेंज हो जाए तो स्टाइल क्लिक करिए, यहाँ से दूसरा स्टाइल लगा सकते हैं। आप चाहते हैं मेरा ये वाला स्टाइल ये वाला हो जाए, 72 ना रहा है मेरा, 22 रहा, 22 हो जाएगा। अब यहाँ से आप आसानी से कुछ कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही बोल्ड अंडरलाइन इटालिक हो गया। और ये जो है ना फॉन्ट के बारे में, ये सब एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, आगे यही सब पढ़ना है। बोल्ड इटालिक अंडरलाइन बहुत आएगा आपको, तो इसमें भी दे दिया है तो थोड़ा बहुत इसमें भी जान लेते हैं हम। अब देखिए इसको सेलेक्ट करके हम चाहते हैं कलर करना, तो आप कलर भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, आप कलर भी कर सकते हैं, जो भी कलर सेलेक्ट कर दीजिए आप हो गया है। फिर सेलेक्ट करके हम चाहते हैं दूसरा कलर करें, दूसरा कलर कर दीजिए। ठीक है, अब चाहते हैं बॉय को सिर्फ सेलेक्ट किए, बॉय हो जाए रेड में और ए हो जाए ये येलो में और इज हो जाए ग्रीन में और दिस हो जाए ब्लू में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो जितना सेलेक्ट करिएगा उतना ही आपको जो भी कार्य करना है उतना ही सिलेक्ट करना होगा। जितना भी करना है बॉय में काम करना है तो बॉय इतना ही दूर सेलेक्ट करिए, ये ना कि पूरा फुल सेलेक्ट कर लिए और रेड करेंगे तो रेड ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं पेंट में छोटी सी बड़े काम भी करके आपको दिखाऊंगा, मतलब इस पेंट के मदद से आप छोटे भी काम कर सकते हैं, बड़ा भी काम कर सकते हैं। हम कुछ बना के भी दिखाएंगे शेप की मदद से, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और पेंट का जो है शॉर्टकट की रहा, तो एक शॉर्टकट की पे हम एक अलग वीडियो बना देंगे और उसमें लिखवा भी देंगे आपको कि शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट ये होता है, कॉपी पेस्ट कट और अंडो रीडो सब का शॉर्टकट लिखवा देंगे। एक स्पेशल वीडियो शॉर्टकट पे हम बना देंगे पेंट की मदद से। ठीक है, और कुछ कुछ हम बना के भी आपको दिखा देंगे ताकि आपको भी बनाने आ जाए। और कुछ टेक्स्ट वाला भी हम कुछ टेक्स्ट जो है टेक्स्ट वाला भी बताएं, उसके भी रिलेटेड से हम कुछ बता देंगे कि आप छोटी सी बड़ी काम इसमें आसानी से कर सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन हर चीज़ें प्रयास किया गया समझाने के लिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब उस लेवल तक बताया गया है कि आप अगर पहली बार सीख रहे हैं तो आप ज़रूर समझेंगे, एकदम स्लो बताया गया है, एकदम फास्ट नहीं बताया गया है ताकि कोई भी आसानी से समझ सके इसे। और आप फर्स्ट डे हैं, किसी के साथ भी, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था, हम फर्स्ट डे जब सीख रहे थे कंप्यूटर तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद फिर प्रैक्टिस करिए, उतना टॉप नहीं है, आप देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा तभी आप सीख पाइएगा। ये ना देख के छोड़ दीजिएगा तो उससे नहीं सीखिएगा, कुछ सीखने नहीं मिलेगा, फिर भूल जाइएगा। आप एक बार वीडियो को देखिए, अगर एक बार ना समझ में आए मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, फिर दोबारा देखिए, फिर सुनिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।